गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ एक्टिव इंग्लिश लिटरेचर रीडर बुक। आज हम चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। निकालिए आप एक्सरसाइज ए पेज नंबर 41। चैप्टर था अपना 9। ठीक है, एक्सरसाइज ए। सम ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स कंटेन द साउंड ए एच, सम कंटेन द साउंड ओ and some contain the sound OW. Write the words in the blanks under the correct heading. आपको क्या करना है, आपको 3 जो हैं वो इसमें कॉलम दे रखे हैं H O O W, और आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें आपको AH काम, कार्ड, ग्रास, आ की आवाज़, इसमें ओ की आवाज़ और इसमें आओ की आवाज वाले साउंड हमें इसमें लिखने हैं। समझ गए आप? देखिए, इनमें से हम चूज करेंगे और जो भी आ की आवाज वाले हैं वो साउंड इसमें हम लिखेंगे। लिखिए आप, आ में आएंगे काम, कार्ड, ग्रास, गार्ड और हार्ट। ठीक है, देखिए वापस से, काम, कार्ड, ग्रास, गार्ड और हार्ट। नेक्स्ट ओ ओ मतलब ऊपर आ जाइए आप, इसमें लिखिए आप डू, ग्रीव, मू, सूप, ट्रू। देखिए वापस से, डू, ग्रीव, मू, सूप और ट्रू। नेक्स्ट ओ डब्ल्यू आप पे आ जाइए आप, इसमें देखिए आप बाउ, डाउट, ग्राउल, लाउड, टाउन। नेक्स्ट देखिए, बाउ, डाउट, ग्राउल, लाउड, टाउन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी पर आ जाइए। चूज द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन 1 है, हाउ डिड एलेक मेक प्रोवेसी गा। ए, ही पुश्ड अंडर इट्स माउथ, ही पुल्ड इट्स लिप्स, ही गेव इट ए ट्रीट, ही पुट हिज हैंड ओवर इट्स मजल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ही पुश्ड अंडर इट्स माउथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, व्हाट डिड एलेक फेल टू डू। ए, टू मेक ट्रोवेस ए आओ, बी, टू मेक ट्रोवेस इट ऑन इट्स हिंड लेग्स, सी, टू मेक ट्रोवे परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस, या फिर डी, टू मेक ट्रोवे यूज इट्स टंग टू स्पीक। इसका राइट आंसर होगा टू मेक ट्रोवे यूज इट्स टंग टू स्पीक। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे आ जाइए, ने पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, टू होम डिड ट्रोवे बिलोंग। ए, एलेक, बी, एलेक्स फादर, सी, एलेक्स फैमिली, डी, एलेक्स फ्रेंड। इसका राइट आंसर है एलेक्स फैमिली, सी, एलेक्स फैमिली। 4, व्हाट डिड एलेक्स फादर डू। A, he taught animals to talk, he helped people to speak better, he was an inventor, या he was a doctor। आपको पता है वो क्या करते थे? तो he helped people to speak better। वो क्या करते थे? People को ठीक से, बिल्कुल better तरीके से speak करने में help करते थे। ठीक है, next class में हम exercise C करेंगे। Thank you।